हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं ग्वार की फली और आलू की मिक्स सब्जी। ये सब्जी इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी और बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनेगी। तो सब्जी बनाने के लिए ये मैंने 1 किलो ग्वार की फली ली है और इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, देख सकते हैं। और साफ पानी में इनको 1 से 2 बार धो भी लिया है। और ये आलू भी मैंने इस तरीके के थोड़े बड़े साइज के काटे हैं और इनको भी मैंने साफ बिल्कुल 2 बार धो लिया है। तो इस तरीके से आलू और ग्वार की फली की सब्जी बनाएंगे तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अब हमें इनका क्या करना है, इनको हमें 1 से 2 सीटी आने तक बॉईल करना है। तो ये मैंने दोनों को कुकर में डाल दिया और ये मैंने आधा लीटर से भी कम पानी लिया है तो इसमें पानी डाल देते हैं। 1 चम्मच मैंने नमक लिया तो नमक भी डाल देते हैं और इसको 2 सीटी आने तक पका लेते हैं। तो 1 से 2 सीटी आने तक पका लेते हैं। तो ये मैंने बॉईल कर लिया है तो दोनों को ठंडा भी कर लिया है। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ली है, गैस मैंने ऑन कर दी है। तो कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है तो ऑयल को भी गर्म कर लेते हैं। तो ये मैंने पानी लिया है, देख सकते हैं, मसाला बनाने के लिए। तो इसमें हम मसाले, सूखे मसाले ऐड करेंगे। हम थोड़े एक नए तरीके से ये सब्जी बना रहे हैं, इससे हमारी जो सब्जी है बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा सब्जी का। तो इसमें हमें सूखे मसाले ऐड करने हैं। तो 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और स्वाद के अकॉर्डिंग आप इसमें मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच मैंने मिर्च पाउडर लिया है और ये मैंने धनिया पाउडर लिया है और नमक मैंने पहले भी थोड़ा सा डाल दिया था इसमें, तो नमक भी डाल देते हैं। ये मैंने नमक लिया है, ये मैंने गरम मसाला लिया है, ये मैंने लहसुन लिया है तो इसको भी डाल देते हैं। और डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों को। तो तेल गरम हो चुका है, इसमें जीरा डाल देते हैं और ये मैंने लिया है हरी मिर्च, तो ये भी डाल देते हैं। तो हरी मिर्च हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो जो मैंने मसाला बनाया था ये मसाला भी डाल देते हैं। और मसाले को हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। मसाले को एक बार अच्छे से मिक्स करना है। तो मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है ताकि अच्छे से पक सके मसाला। अगर आप इस तरीके से ग्वार की फली की सब्जी बनाएंगे तो सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी ये सब्जी और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी। तो 2 मिनट हमारी हो चुकी है, तो इसमें जो मैंने सब्जी ली थी उसको डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स करना है इसमें। तो सब्जी देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुकी है हमारी। तो इसको हमें 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है क्योंकि मैंने मसाला तो पका लिया था और जो मैंने ग्वार की फली ली थी उसको भी मैंने बॉईल कर लिया था। तो इसको हमें 1 से 2 मिनट लगेंगे पकने में, तो इसको अच्छे से पका लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो चुकी है, तो सब्जी देख सकते हैं पकना स्टार्ट हो चुकी है। जो मसाला मैंने थोड़ा सा डाला था वो अच्छे से देख सकते हैं पकना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको सिर्फ हमें 1 मिनट के लिए और रखेंगे। और प्लीज़ जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए, सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी। और जो भी मेरी रेसिपी रहती है बिल्कुल इजी तरीके से रहती है, उसको घर में कोई भी बना सकता है और बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी बनाने में। और जो घर के सामान होते हैं उन्हीं से वो रेसिपी बन जाती है, मार्केट में आपको ज़्यादा सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ग्वार की फली आपको पसंद नहीं है, अगर आप इस तरीके से बना करके खाएंगे तो मैं यकीन कहती हूँ, यकीन से बोलती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये सब्ज़ी, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी इस तरीके से बनाएंगे तो। और बिल्कुल इजी और सिंपल तरीका है इस तरीके से सब्ज़ी बनाने का। तो सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है तो देख सकते हैं, तो इनको सर्व कर लेते हैं। ये मैंने बाउल लिया है सर्व करने के लिए, तो सब्जी को हम सर्व कर लेते हैं। सब्जी बनकर
करके तैयार हो चुकी है। तो हमारी ये सिंपल तरीके से ग्वार की फली की सब्जी बनाने की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं। अगर आप इस तरीके से ग्वार की फली की सब्जी बना करके खाएंगे तो आपको खुद को भी यकीन नहीं होगा कि हम इतनी ईजी तरीके से इतनी स्वादिष्ट सब्जी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।